सामने उभरा है मॉल, सुनसान पड़ा है। यहाँ से क्रॉस करना मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है यार। कितने का भाई ये वाला कितने का? लोग बस का वेट किए जा रहे हैं। और भाई काम कैसे चल रहा है? मस्त। गणपति बप्पा मोरिया। क्या नाम है सर आपका? अरुण। अरुण सर, जय माता जी। सारी चीज़ें होलसेल प्राइस में मिलती है, मतलब हाफ से भी कम प्राइस होता होगा, क्योंकि सबको एंट्री नहीं है, सिर्फ स्पेशल लोगों को एंट्री है। मतलब आज इसका एक कार्ड होता है जो होलसेल में खरीद के लेके जाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो हम बोरीवली पहुंच चुके हैं और ये बोरीवली हाईवे से सीधा इधर क्रॉस करेंगे। इसमें ईगो हो रहा है। अंडरग्राउंड है पूरा, इसलिए इनको रास्ता मेरा कम। आप चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ वापस आएगी। इको फ्लाई का कुछ ग्राउंड फ्लाई कैसे हो? फाइनली दोहर आ गए। बंदर दिखा, मतलब नेशनल पार्क आ गया। बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ता है यार, गाड़ियाँ कंटिन्यू आती रहती है इधर उधर से, आगे पीछे सामने से, पता नहीं चलता आपको। फाइनली बोरीवली आ गए नेशनल पार्क। गिरने से बचा है। नेशनल पार्क बंद है, सोमवारी उद्यान बंद है ड्यू टू कोरोना कॉल। नेशनल पार्क क्लोज। लेट्स गो क्रॉस द रोड। भागो। ओंकारेश्वर टेम्पल मेरे सामने है। बोरीवली पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी जाएंगे नैगा रोड। बहुत करके जाऊँगा। अब यहाँ से क्रॉस करना वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कंटिन्यू कर जा रहे। चलो भागो। पानी पूरी की दुकानें सब चालू है, सब मस्त खा रहे हैं दिन रात। डर नहीं, हम ही डरते हैं लगता है। और यहाँ से आप टिकट ले सकते हो बाहर जाने के लिए। बहुत सोचता देखो, मस्त भुट्टा होता है। क्या भाई कितने का भुट्टा है? 1 20 रुपये का। खाने का मन बहुत है भाई, तुम पैसे नहीं है। देखो वाह, लवली मस्त बना के गुप्ता। और दादा कितने का भेले? 20 का एक। खाते हैं लोग, लेते हैं। चलो निकल जाओ फिर से। भजिया उजिया मस्त भेज रहे हैं, वड़ा पाव भजिया उजिया। सही है यार, लोग खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से इसलिए चल रहा हूँ कि वहाँ से रास्ता नहीं जाने के लिए, कंटिन्यू गाड़ियाँ हैं, चलने के लिए थोड़ा भी जगह नहीं है। थक चुका हूँ एकदम। कमाल की बात है कि अभी भी 10 किलोमीटर चलना मुझे घर पहुँचने के लिए, लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक होगा क्योंकि मैं ऑटो में जाऊँगा। शेयरिंग रिक्शा थोड़ा सा आराम होगा, उसके बाद वॉक कर सकता हूँ। ऊपर का ट्रैफिक जाम, क्योंकि आगे दहिसर से एक नाका है, यहीं से जाम हो गया, पीछे से शुरू है। गोरे गांव से यहाँ आने में 3 आवर्स लगे। 4 बजे निकला था मैं और इस वक्त परफेक्ट 7 o'clock हो रहा है। दहीसर तक नाका पहुँच गए। अभी मैं मिलूँगा आपको सीधा काशीमीरा रोड, क्योंकि मुझे भागना है अभी जोर से। रोज चलूँगा तो बहुत देर हो जाएगा। 7 बज गया घर पर। घर कितने बजे पहुँचूँगा पता नहीं। नायगाँव 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 चिंचोड़ी नायगाँव रिक्शा में बैठ गया हूँ मैं काशीमीरा से। इसके बाद ही 5 किलोमीटर वॉक करना जब उतरूँगा मैं नायगाँव। डिफिकल्ट लाइफ आज पूरा भागम भाग रहा है मेरी जिंदगी का। नायगाँव 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 भाई भाई के लिए भाड़ा ढूंढ रहा हूँ मैं। अभी मैं अकेला हूँ, शेयरिंग है, कोई 2 मिल जाएगा उनका काम हो जाएगा। नायगाँव 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 भाई नायगाँव चिंचोड़ी नायगाँव चिंचोड़ी अरे कोई बात नहीं, एंजॉय लाइफ। नायगाँव नायगाँव भाई नायगाँव आ जाए। अरे आओ ना यार, ये तो आओ कोई। नायगाँव भाई नायगाँव नायगाँव दोनों मिले इनको और इतना मेहनत किया हमने दोनों। कोई बात नहीं, चलो तो उसका हम आपको नायगाँव बपाले पूछता हूँ। तो भाई हमारा चैनल देख रहे हैं, देखो लगा के। अब यहाँ से 5 किलोमीटर वॉक और थोड़ा आराम मिल गया, पैरों को थोड़ा आराम मिल गया मुझे। यहाँ से वॉक आराम से कर 5 किलोमीटर। आगे रास्ता थोड़ा सुनसान है, लेकिन मुझे आदत है चलने की। पहले भी आ चुका हूँ रात में। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए तो उसमें दिखेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, लोग मिल रहे हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा कोई दिखता नहीं, लाइट भी नहीं है। आसमान से गिरे खजूर में लटके, जैसे कहावत फिर बैठे ही है। अच्छे तरह से वहाँ जाया, थोड़ा सा बारिश हो गई तो ये हालत हो गया रोड का। दिख नहीं रहा हुआ क्योंकि अंधेरा है, लेकिन मैं कैसे चल रहा हूँ मुझे ही मालूम है। उससे बहुत डिफिकल्ट टू वॉक हियर यार। मैं 4 बजे ऑफिस से निकला था, 8:30 हो रहा है और घर मैं अभी पहुँचा हूँ। मतलब अभी भी 5 मिनट जाएगा रात तक के घर जाने में। बारिश आ गई यार। शाम 4 बजे से निकला हूँ मैं ऑफिस से और अभी 9 बज रहे हैं, 9 o'clock। मतलब कितना 5 hours लगा, 5 घंटे मुझे यहाँ आने में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।